आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आगे की बात हम इस लेसन 11 ऑप्टिक्स में कर रहे हैं ट्वेल्थ क्लास की, और चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, कठिन भी है। शुरू के जो पॉइंट फिलहाल चल रहे हैं, अगर आपने इन पॉइंटों को ध्यान से नहीं समझा तो फिर आगे के पॉइंट आपको कतई समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आप इन बातों को ध्यान से समझें और आगे बढ़ें तो ही आपको फायदा मिलेगा। देखिएगा, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, मतलब गोलीय दर्पण हम जो लेकर चल रहे थे उससे प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो जब किसी दर्पण के सामने किसी बिंब को रखते हैं तो उसके प्रतिबिंब का निर्माण होता है। क्लियर? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब भी कर लो फिलहाल, ठीक है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब, पहला प्रतिबिंब वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है कि जब दर्पण के सामने किरणें एक दूसरे से मिलें। अगर मान लो को दर्पण के जो मुख्य अक्ष है उसके जो समांतर किरणें आ रही हैं या बिना समांतर आ रही हैं, वो दर्पण के परावर्तन के पश्चात दर्पण के अगर सामने मिलती हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है। लेकिन अगर प्रतिबिंब ये जो किसी बिंदु पर के पश्चात, दर्पण के टकराने के पश्चात किसी बिंदु पर, देखिए मतलब कि किरणें टकराने के पश्चात दर्पण के पीछे अगर मिलती हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। हालांकि ये डेफिनेशन कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है इसकी डेफिनेशन लिखो, या आभासी कैसे बनता है इसकी डेफिनेशन लिखो, ऐसा कतई पूछा नहीं जाता। लेकिन फिर भी ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं ये जनरल बातें हैं और आपको ये समझ में आनी ही आनी चाहिए, अन्यथा फिर आपको आगे की बातें समझ में नहीं आएंगी। चलो मैं इसको ध्यान से पढ़ता हूँ। देखो, वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के सामने मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। क्लियर? यह प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो पर्दे पर प्राप्त किए जाते हैं और उल्टे बनते हैं। यह प्रतिबिंब उल्टा होता है। दो बातें होती हैं इनकी विशेषता, पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, उल्टे बनते हैं और दर्पण के सामने बनते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। आगे देखिए, आभासी प्रतिबिंब जब किसी बिंब से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात किसी बिंदु पर दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। बस उसमें सामने था, इसमें दर्पण के पीछे है। यह प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और यह प्रतिबिंब सीधा होता है। फर्क हो गया? ये तो पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। यह उल्टा होता है, यह सीधा होता है। ये वास्तविक है और ये आभासी है। वास्तविक वाला दर्पण के सामने बनता है और आभासी वाला दर्पण के पीछे बनता है। आगे चलते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण। देखो, अब बात यहाँ आ रही है कि किसी दर्पण के कारण प्रतिबिंब कैसे बन सकता है, कौन कौन सी किरणें होती हैं, कैसे कैसे वो गति करती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण के किधर से गुजरती है। इन सब बातों के बारे में हम पढ़ेंगे कि हम यहाँ चार प्रकार की किरणें हम देख रहे हैं। इन चारों किरणों में से किन्हीं दो किरणों के उपयोग से प्रतिबिंब का निर्माण कराया जा सकता है। तो ये बात समझो आप, प्रतिबिंब का निर्माण, किसी प्रतिबिंब का निर्माण निम्न चार किरणों में से किन्हीं दो किरणों द्वारा किया जा सकता है। आज बात समझ में भाई, कोई चार किरणों में से दो किरणों की सहायता से इसके प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। पहला,
दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात उसके फोकस बिंदु से गुजरती हैं। ये बात आप लेंस के संदर्भ में अच्छे से जानते होंगे, दसवीं क्लास में आ जाता है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं वो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती हैं। देखो आप, ये कोई दर्पण है, कौन सा है? अवतल दर्पण है। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुवे पी है। ये कोई प्रकाश की किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाके दर्पण से टकरा रही है। तो आपको बताया था कि टकराने के पश्चात ये फोकस बिंदु एफ से होती हुई बाहर निकल जाएगी। क्लियर? ये पहली किरण थी। अब आगे देखो, नंबर दो, इसका उल्टा भी संभव है कि कोई प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य फोकस बिंदु एफ से गुजरते हुए इस दर्पण पर गिरे, तो इससे टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती, मतलब उसका रिवर्स। देखो, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु एफ से गुजरते हुए दर्पण से टकराए तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर? तो भी लिख रखा है, तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो आप, ये वही अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसकी फोकस बिंदु है। जब इससे होकर प्रकाश की किरण इस दर्पण पे गिरती है तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। आगे चलिए, तीसरे को पहले सुन लो आप, कि अगर कोई प्रकाश की किरण जो है वो वक्रता केंद्र सी से होती हुई दर्पण पे गिरे तो ये वापस इसी बिंदु पर लौट जाती है, इसी दिशा में लौट जाती है। अब बात आती है कि सर ऐसा होता क्यों कि सी से गुजरे तो वापस उसी पथ पे क्यों लौटती है? तो इसके लिए आप थोड़ा सा समझें, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मैंने खोखला गोला बनाया, ये इसका सेंटर है। क्लियर? अब देखो आप, और मैंने कह दिया यहाँ पर कि ये यहाँ मैंने इसकी पोलिश कर रखी है, तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ से और ये यहाँ तक ये सब क्या है? अवतल दर्पण है। अब अगर कोई प्रकाश की जो किरण है वो इसके ऊपर ऐसे गिर रही, सपोज दैट ये गिर रही, क्लियर? गिर रही है। तो देखो, अब ये इस दर्पण के ऊपर 90 डिग्री के कोण पे गिर रही है ना, तो आपको बताया था कि जिस कोण पर आती है उसी कोण पर लौटती है। परावर्तन का जो नियम आपको पढ़ाया था वो यही था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये 90 डिग्री पर आ रही है तो 90 पे तो वापस जाएगी, इसलिए क्या इसी पथ पर वापस जाएगी। आप कहोगे सर यहाँ तो 90 दिख रहा है पर कहीं और, चलो यहाँ से देखते हैं, गिर गया ऐसे। अब ये जो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कल्पना करूँ, सीधी लाइन है तो ये कोण क्या बनेगा? 90 डिग्री का ही बनेगा। चाहे आप इधर से आपतित करवा दो तो भी जहाँ ये गिर रही है वहाँ पर ये 90 डिग्री का ही कोण बनाएगी, और जब 90 डिग्री का ही कोण बनाएगी तो वापस ये इसी पथ पर लौटकर आ जाएगी। यही कारण इसमें बताया गया है कि यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र सी से होती हुई दर्पण पर गिरे, नहीं दिख रहा पर तो पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, दर्पण पर गिरे तो यह वापस उसी पथ पर लौट आती है। क्लियर? नंबर चार, यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पी पर जिस कोण पर आपतित होती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा? देखो आप, देखो ये जो है ना, ये ध्रुव है, बिंदु पी है, तो इस पर जिस कोण पे आ रही है, थीटा कोण पर आ रही है, तो थीटा पर वापस जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये यहाँ अभिलंब का कार्य कर रही है, तो ये अभिलंब के साथ थीटा कोण बना रही है। तो फिर आपको बताया था परावर्तन के नियम में कि जिस कोण पर आती है उसी कोण पर वापस लौटती है, इस वजह से ये थीटा पर आ रही है तो थीटा कोण पर ही वापस लौट जाएगी। क्लियर?
इस प्रकार से हमने चार किरणें पढ़ ली दर्पण के लिए, और चारों किरणों में से कोई सी भी दो किरणों का इस्तेमाल करते हुए आप प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। आगे चलिए, अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का निर्माण। अब हम अवतल दर्पण लेंगे, उसमें विभिन्न पोजीशन के ऊपर बिंब रखेंगे और वहाँ प्रतिबिंब कब, कैसा और कहाँ बनेगा, ये सब की बातें हम इस टॉपिक में करने जा रहे हैं। हालांकि ऐसी बात आप 10th क्लास में पढ़ भी चुके हो, फिर आपके लिए रिपीट हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट है कि जब बिंब अनंत पर, मतलब कि प्रतिबिंब, जैसे ये जो बिंब है, ये जो अवतल दर्पण है, इस पर अनंत पर बिंब, और अनंत पर बिंब होने का मतलब है सूर्य जैसे, जैसे सूर्य के प्रकाश को हम किसी अवतल दर्पण से इकट्ठा करें और किसी एक बिंदु पर डालें, तो वहाँ पर आपको एक चमकीला बिंदु दिखाई देगा। तो वास्तव में वो जो चमकीला छोटा सा बिंदु है, वो वास्तव में सूर्य का ही प्रतिबिंब है। क्लियर, वो बात देखो। तो इस अनंत से जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो एक दूसरे के समांतर आती हैं, ये बात आप समझते होंगे। तो ये जो दो किरणें आ रही हैं, एक तो आ रही है बेटा सीधी इस सी से गुजरती हुई, ये तो वापस इसी पथ पर लौट जाएगी, अनंत से आ रही है। दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो सीधी आ रही है, फोकस बिंदु एफ से गुजरती हुई दर्पण पे गिर रही है, तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। तो ये मुख्य अक्ष की हो गई है समांतर, और दोनों किरणें यहाँ एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, वो उल्टा होगा। तो अनंत पर जब बिंब होता है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस बिंदु एफ पर, तो फोकस एफ पर प्रतिबिंब बनता है। आपको कहा था कि सूर्य का छोटा सा प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है, उल्टा है तो वास्तविक भी है, छोटा भी होता है। आपको बताया था मैंने, देखो प्रतिबिंब होता है वास्तविक, बहुत छोटा, वास्तविक आगे कोमा है, फिर बहुत छोटा, और तीसरी बात है उल्टा, और चौथी बात है फोकस बिंदु एफ पर। शायद समझ में आ गया होगा आपको कि ये कैसे बना है। आगे की बात देखो कि जब बिंब नंबर दो पर अनंत व सी के मध्य हो, सी का मतलब तो वक्रता केंद्र होता है, अनंत का मतलब आप जानते ही हो, तो ये तो है भाई सी, और इसके आगे जो दूरी है वो क्या है, अनंत। क्लियर, और यहाँ इनके बीच में ये कोई बिंब है, इसको मैं बिंब को ऑब्जेक्ट का नाम दे रहा हूँ, और ये ओ है, और ये बिंब यहाँ रखा हुआ है। अब इस बिंब से ये अवतल दर्पण रखा हुआ है, तो देखो सीधी प्रकाश की किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो टकराने के पश्चात फोकस बिंदु एफ से गुजरती हुई निकल जाएगी। दूसरी, इस यहाँ से होती हुई जा रही है, सी से होकर गुजरेगी तो टकराकर वापस इसी पथ पे लौट जाएगी, और यहाँ ये एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब इसका फोकस बिंदु एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच में बनता है। तो कैसा बनता है प्रतिबिंब, उल्टा बन रहा है, उल्टा है तो वास्तविक है, छोटा है तो देखो वास्तविक, उल्टा, छोटा और एफ और सी के बीच में बन रहा है। तीसरा, जब बिंब वक्रता केंद्र सी पर, भाई पहली पोजिशन थी अनंत पर, दूसरा अनंत और सी के बीच, तीसरा सी पर, तो देखो अब सी के ऊपर है ये किरण सीधी गई एप से होती हुई यहाँ निकल गई, ये एप से होती हुई निकल गई। क्लियर, दूसरा ये किरण एप से होती हुई जा रही है, टकरा कर सीधी चली गई, एक दूसरे को यहाँ काट रही है, तो ये सी के ऊपर ही क्या बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। पहला प्रतिबिंब कहाँ बना था, एफ पर, दूसरा एफ और सी के बीच, तीसरा अब सी पर, तो देखो प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, क्योंकि उल्टा है तो वास्तविक है, उल्टा बन रहा है, बराबर बन रहा है और सी पर बन रहा है। चौथा पॉइंट कि जब बिंब सी व एफ के बीच में हो, अब थोड़ा आगे चलो, सी और ये एफ है, ठीक है, सी और एफ के बीच में हो, ये एफ दूर दूर लिखना कि यहाँ है, बीच में हो, तो देखो क्या बनेगा, ये बिंब रखा है, यूँ प्रकाश की किरण गई एफ से होकर निकल जाएगी, दूसरा एफ से होकर जा रही है सी के समांतर हो जाएगी, यहाँ ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो सी से दूर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वही वास्तविक है, अब बड़ा है, मतलब सी के ऊपर तो बराबर बनेगा
और सी के जब आगे का बनेगा तो ये बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, सी व अनंत के बीच बनेगा, सी व अनंत के मध्य बनेगा। अब आगे देखो कि जब बिंब फोकस बिंदु एफ पर हो, देखो ये एफ है ना, एफ के ऊपर बिंब रखा है, समझो अब इसको। तो अब इस बिंब से यहाँ से होकर प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है तो ये वापस इसी पथ पे लौट जाती है, क्लियर। दूसरी एक किरण जो समांतर जा रही है ये फोकस से होकर गुजर जाएगी। अब ये दोनों किरणें जो जा रही है ना वो समांतर जा रही है एक दूसरे की दर, तो अनंत पे जाकर मिलती हैं और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, तो और वो बहुत बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। देखो वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा और अनंत पर रहेगा। आगे का देखो लास्ट चित्र जो इसका है कि जब बिंब एफ व पी के बीच में हो, ये तो एफ है और ये पी है, बीच में यहाँ बिंब होगा तो देखो क्या पोजीशन रहेगी। ये समांतर किरण गई, ये तो चलेगी फोकस बिंदु एफ से होती हुई, ये यहाँ सीधी गई और वापस टकरा कर सी से होकर चली जाती है। अब इनको पीछे बढ़ाओ, इसको यूँ पीछे बढ़ाया, इसको यूँ पीछे बढ़ाया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक प्रतिबिंब बनेगा। ये काल्पनिक है, सीधा है, दर्पण के पीछे है, देखो विशेषता, काल्पनिक है या आभासी है, बड़ा भी है, सीधा भी है और दर्पण के पीछे भी है, क्लियर। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। धन्यवाद।